हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि यहाँ पे हमारा एक्ट वन स्टार्ट हो चुका था, तो अब हमको इसके आगे की स्टोरी देखनी है, आगे क्या होता है। तो सिंपली हमको इसको फॉलो करना है, जो मैम ने मैंने आपको बताया था कि मैम ने देखना है आपको, ये जो हमारी बेस्ट फ्रेंड है इसके साथ हमको फॉलो करना है इसको। जैसे जैसे हम इसको फॉलो करेंगे हमको पाथ दिखाएगी कि हमको कहाँ पे जाना है और क्या करना है। गाइस, अगर आप सोच रहे हो इस गेम के ग्राफिक इतनी बढ़िया है, इतनी हैवी गेम है, ये आपके फोन में चलेगी या नहीं चलेगी, अगर गाइस आपके फ़ोन में 4 GB रैम है और 64 GB मेमोरी है तो आपके फ़ोन में गेम ईजिली चल जाएगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस गेम का। तो गाइस ऐसे आपको सिंपली ये कलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये चीज़ आपको ऐसे कलेक्ट करनी है, ये आगे जाके काम आएंगी, मैं आपको बताऊंगा किस काम आएगी, ठीक है गाइस। तो गाइस जैसे इसको हम फॉलो करके इसके पास पहुंचते हैं, तो सिंपली गाइस हमको ऐसे आप देख रहे होंगे आपको सामने क्रेट नज़र आ रही होगी, आप वो क्रेट भी ओपन करके उसमें से सामान भी कलेक्ट करना है। और जैसे ही गाइस हम उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखना है अब हमारे साथ क्या होता है। तो गाइस इसके बाद हमको हमारे इस करेक्टर की पहली पावर मिल जाती है, जो होती है बाइंड की पावर, और हमको यहाँ पे मैप देखने को मिल जाता है। जो हमारे पास मैप अवेलेबल है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। ये आपको मैप शो हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मैप है, अभी ये थोड़ा ही मैप अनलॉक हुआ है, हमको सारा मैप अनलॉक करना है, उसके बाद जाके हम उसको जो इसकी स्टोरी है वो कम्प्लीट हो पाएगी। तो गाइस अब जैसे ही हमको यहाँ पर पावर मिली है, तो ये हमको ये बताएंगे यूज़ कैसे करना है इस पावर का और कैसे हम इससे अपने एनिमल्स को इफेक्ट कर पाएंगे। तो गाइस ये कुछ स्टोरी बता रही है जिसको मैं स्पीड में प्ले कर रहा हूँ, अगर आपको स्टोरी देखनी होगी तो आप इसको वीडियो को स्लो स्पीड में प्ले कर लेना, यूट्यूब पे इजीली हो जाता है। तो गाइस इसके बाद यहाँ पे हमको फाइट करने को मिलेगा, ये आप यहाँ से इसके साथ हम फाइट करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे पावर हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है होल्ड टू चेंज स्किल्स फॉर इंक्रीज्ड पावर। तो आप यहाँ से अगर आप होल्ड करके इस पावर का यूज़ करते हो तो आपके जो स्किल्स होते हैं पावर की वो चेंज हो जाएंगी, उसका डैमेज ज़्यादा पड़ेगा, इसका कहने का मतलब ये है। ओ बेटे क्या पावर थी गाइस, देखा आपने इन चारों को एक साथ फिनिश कर दिया। तो गाइस अब इसके बाद देखना है कहाँ पे जाना है, अब इसके बाद हमारे पास लोकेशन आ रही है, तो हमें सिंपली उसको फॉलो करना है। तो गाइस मैं इस नेविगेशन को फॉलो कर रहा था और अचानक से एक आवाज़ आती है, और जैसे ही आवाज़ आती है आप भी देखें क्या आता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे होते हैं ड्रैगन के एंटीरियर ड्रैगन, आगे जाके हमको कहाँ मिलेगा और हम इसको कैसे मारेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे एक छोटी सी फाइट जो करनी ज़रूरी है, और ये क्यों करनी है मैं अभी इस फाइट के बाद आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जब आप इनसे फाइट जीत जाओगे तो आपको एक कॉमन क्रेट मिलेगी, और इस क्रेट में आपको आपकी पावर्स और आपके करेक्टर को लेवल अप करने के लिए जो सामान मिलेगा और भी कुछ सामान मिलेगा जो आपको काम आएगा,
तो इसलिए आपको फाइट करनी है और इनसे इजीली आप जीत जाना है अगर आपका करेक्टर लेवल अप है और वेपन लेवल अप है। तो गाइज अब अपने उस पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ और है, वहाँ पे फाइट देख लीजिए, उसके बाद अपने वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे हमारे पास हमको जान। तो गाइस देखा कैसे इजीली हमने इनको मार दिया और हमको क्रेट मिली, और क्रेट में से हमको जो सामान मिला वो हमने चख लिया। और अब हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे नेगेवेशन है वहाँ पे हमको जाना है। तो गाइस जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए क्या होता है। Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? तो गाइज यहाँ पे होती है ड्रैगन की एंट्री, और ड्रैगन इसकी कुछ पावर देख के यहाँ से चला जाता है, ये मेरे को अभी नहीं पता, हम आगे देखेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये गाइज कुछ बात कर ली है तो इसलिए मैंने इनकी आवाज़ स्लो कर दी, और आगे देखना है कहाँ पर जाना है। तो ये बोल रहे हैं, देखते हैं आगे कहाँ पर जाना है। आप इसको ऑटो में प्ले कर सकते हो वरना ऐसे ही करो अगर आपको देखना है। गाइज इसके बाद जो मेरा एडवेंचर लेवल होता है वो लेवल 3 हो जाता है, और मैं आपको बता दूं कि लेवल 14 के बाद आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं मल्टीप्लेयर गेम की तरह। तो गाइज अब आगे चलना है हमको, अब मैं मैप ओपन करता हूँ, मैप में देखता हूँ कि कहाँ जाना है, क्या क्या करना है हमें, कुछ क्या नहीं करना है। तो गाइज यहाँ पर आप सिंपल देखोगे ये जो आपको ऐसे मार्क दिख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में, और सेम मार्क दिख रहे होगा आपको ब्लू एंड वाइट कलर में। तो हमको जो ब्लैक एंड वाइट कलर है इनके पास जाना है और इनको टेलीपॉइंट पॉइंट को एक्टिवेट करना है। इसके बाद हम एक टेलीपॉइंट पॉइंट से दूसरे टेलीपॉइंट पॉइंट पे इजीली अप्रोच कर सकते हैं या पहुंच सकते हैं। गाइज इसके बाद होती है हमारे न्यू करेक्टर की एंट्री, जिसको आप बिल्कुल मिस मत करना, आपको ज़रूर देखना ये न्यू करेक्टर है कौन और इसके पास क्या क्या सुपर पावर है। तो गाइज पहले इनका इंट्रो लेते हैं और इनके बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये यहाँ के नहीं लगते। अगर आपको ये वीडियो नहीं होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं आपके लिए ये वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा जो ये स्टोरी बताती है, हर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जो भी आप बोलोगे, ठीक है गाइज। तो गाइज जैसे इनकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद हमको एक करेक्टर मिल जाता है, और स्टार्टिंग में हमको इस करेक्टर की पावर कैसे यूज़ करनी है इसके बारे में हमको गाइड करते हैं। तो आप देख लीजिए इसकी पावर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइज आप राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि यहाँ से हम अपना करेक्टर चेंज कर सकते हैं उस पर टैप करके, और ये हमको गाइड कर रहा है कि हम इसकी पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमको अपना एम सेट करना है और उसके बाद जस्ट फायर बटन पे क्लिक करना है, और इससे हम इजीली अपना एम सेट कर सकते हैं, एम या पावर यूज़ कर सकते हैं जो भी हमको एनिमी को मारना है। तो गाइज पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम इसका जो एक्ट 1 है उसको कम्प्लीट कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि जो एक्ट 1 है वो बहुत ही लंबा
होने वाला है, इसलिए आज हम सिर्फ इसमें इस 10.1 तक की ही जाएंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी जिसमें हम आगे के मिशन करने वाले हैं। तो गाइज आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइज। तो गाइज आपको ये ब्लैक कलर के स्टोन दिख रहे होंगे, आप इन पे जैसे अटैक करोगे तो इनकी हेल्थ जाने लगती है, और आपको कलेक्ट कर लेना है जो ये स्टोन गिरते हैं, क्रिस्टल गिरते हैं, इनको आपको कलेक्ट करके अपने पास रख लेना है इन्वेंटरी में। ये आपको बाद में जिस टाइम आप लेवल अप करोगे अपने वेपन का या अपने करेक्टर का, तब आपके काम आने वाले हैं। तो गाइज आपको सिंपली टेलीपोर्ट पॉइंट के पास जाना है और वहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट कर देना है, और उसके बाद आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इजीली पहुँच पाओगे। और गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।